पलायन ना करे। और इस समय में रायपुर छत्तीसगढ़ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के तीसरे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति संबोधित कर रही हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। वर्चस्व को रेखांकित करता है। मुझे ये जानकर भी हर्ष हो रहा है कि इस विश्वविद्यालय और इससे संबंध कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों में लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा है, दोगुना है। ये एक बड़े बदलाव का प्रमाण है। आज के विद्यार्थियों ही भविष्य का निर्माण करेंगे। दो दिनों के अपने इस छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान मुझे दो इंजीनियरिंग और दो मेडिकल संस्थानों के विद्यार्थी को संबोधित करने का अवसर मिला। इस दौरान उनके आत्मविश्वास तथा जीवन में आगे बढ़ने की उनकी ललक को मैंने महसूस किया। मुझे ऐसे युवाओं में नई भारत की झलक देखती है। वो नया भारत जो पूरे मजबूती के साथ विश्व में अपना उचित स्थान पाने के लिए आगे बढ़ रहा है। देवियों और स्वजन, छत्तीसगढ़ की अधिकांश जनता गांव में रहती है। उन लोगों तक उचित स्वास्थ्य सेवा पहुंचाना चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस संदर्भ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति संस्थान स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य में चिकित्सा शिक्षण प्रशिक्षण और शोध के बढ़ावा देने के लिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। क्षेत्रीय स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान इस विश्वविद्यालय के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है। ये प्रसन्नता की बात है कि विश्वविद्यालय और इससे संबंध कॉलेजों में आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के साथ साथ आयुष प्रणालियों की शिक्षा भी दी जाती है। बहुत सारे कॉलेजों में नर्सिंग के कोर्स कराया जा रही है। इस प्रकार ये विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता बढ़ाने और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अभी भी मलेरिया फाइलेरिया और टीबी जैसे संक्रामक बीमारियों का पूरी तरह से उन्मूलन नहीं हो रही है। भारत सरकार इन रोगों के उन्मूलन के लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रही है। अभी हाल ही में ड्रोकोमा नामक संक्रामक रोग जो अंधेपन का कारण बन जाता है था को समाप्त करने में भारत ने सफलता प्राप्त की है। जनजातीय समाज में सिकल सेल एनीमिया एक बड़ी समस्या है। भारत सरकार राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत इस समस्या को दूर करने के लिए प्रयासरत है। मैं सरकार के इन सभी प्रयासों को आप लोगों के समक्ष इसीलिए रख रही हूँ क्योंकि स्वास्थ्यकर्मी ही अग्रिम पंक्ति के योद्धा है। आप सामान्य लोगों को स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जागरूक बना सकते हैं, उन्हें सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के अवगत करा सकते हैं। आप नीति निर्माताओं और सम्मान जनता के बीच सेतु का कार्य कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं समझती हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में जाने से आप देश की बहुत बड़ी जनसंख्या की वास्तविक समस्याओं से अवगत हो पाएंगे। आपका चिकित्सकीय अनुभव समृद्ध होगा। समाज तथा देश के प्रति आपका कर्तव्य बोध मजबूत होगा। इसलिए सभी डॉक्टरों को अपने पेशेवर जीवन के कुछ वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों को समर्पित करने पर विचार करना चाहिए। आप करेंगे ना? मैं चाहती हूँ कि सभी विद्यार्थियों को समय समय पर गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाना चाहिए। शिक्षकों और डॉक्टरों के प्रति सम्मान की भावना का उपयोग लोगों को सामाजिक मुद्दों पर जागरूक बनाने के लिए किया जा सकता है। जैसे वे लोगों को समझा सकते हैं कि
नशीले पदार्थों के सेवन से उनका स्वास्थ्य तो खराब होता ही है, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी खराब होती है। इसी तरह चिकित्सकों लोगों को रक्तदान और अंगदान के लिए प्रेरित कर सकते हैं। देवियों और सुजन, इस राज्य में जड़ी बूटियों का अकूट भंडार है। बीजा और धावड़ा जैसे पेड़ों को औषधीय महत्व के बारे में ग्रामीणों तथा जनजातीय भाई बहन जानते हैं। इस ज्ञान भंडार का डॉक्यूमेंटेशन और स्टैंडर्डाइजेशन करके उन्हें विलुप्त होने से बचाना जरूरी है। यहाँ के वनवासियों के ज्ञान भंडार पर शोध का बढ़ावा देने से ऐसी जानकारी का विज्ञान सम्मान उपयोग व्यापक स्तर पर हो सकेगा। इस क्षेत्र में उद्यम और रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेगी। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की समस्याओं से हम सभी अवगत हैं। विश्व स्तर पर लोगों के खान पान का तरीका इन समस्याओं को और जटिल बना रही है। अभी हाल ही में प्रकाशित WWF की लिविंग प्लानेट रिपोर्ट 2024 में भारत के फूड पैटर्न को बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक सस्टेनेबल माना गया है। ये हमारे पारंपरिक जीवन शैली में महत्ता को रेखांकित करता है, जिसकी शिक्षा हमें आयुर्वेद से मिलती है। निष्क्रिय जीवन शैली भी कई बीमारियों का बढ़ावा दे रही है। ये बीमारियां हमारी चिकित्सा प्रणाली और अर्थव्यवस्था पर अनावश्यक दबाव डालती है। जागरूकता के द्वारा उनकी रोकथाम संभव है। इसके लिए योग और आयुर्वेद जैसी परंपरागत प्रणालियां कारगर है। प्रिय विद्यार्थियों, दीक्षांत समारोह का ये दिन आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस सफलता में आपकी प्रतिभा, लगन और परिश्रमों के साथ साथ आपके माता पिता, परिवारजनों, शिक्षकों के सहयोग और मार्गदर्शन का भी महत्वपूर्ण योगदान है। आपको उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। आज का दिन खुशी मनाने के साथ साथ अपने भविष्य के बारे में संकल्प लेने का अवसर भी है। आपको अपने भविष्य की रूपरेखा बनाते समय ये ध्यान रखना है कि आपकी इस शिक्षा में समाज का भी योगदान है। समाज ने आपकी शिक्षा में जो निवेश किया है वो समाज को लौटाना आपका दायित्व है। बस 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में विकसित छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण योगदान होगा। समग्र विकास के लिए नागरिकों का अच्छा स्वास्थ्य महत्वपूर्ण होता है। अच्छा स्वास्थ्य लोगों की उत्पादकता और रचनात्मक को बढ़ाता है। इसीलिए छत्तीसगढ़ को विकसित बनाने में राज्यों के स्वास्थ्य कर्मियों की अहम भूमिका होगी। आप में से अधिकांश विद्यार्थी छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। आपको स्थानीय समस्याओं की बेहतर समझ है। आप राज्यों की स्वास्थ्य समस्याओं पर रिसर्च करें, उनका समाधान खोजने का प्रयास करें। इस प्रयास से लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और एम्स रायपुर जैसे संस्थानों का सहयोग ले सकते हैं। आपके शोध से न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि अन्य राज्य भी लाभान्वित होंगे। आपका भविष्य उज्ज्वल हो, इसी कामना के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अभी आप सुन रहे थे, जो कि रायपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति